मैं तो छुप रहा हूँ रोड तो परली साइड पे है, डाकू वगैरह फिरते हैं, मैं छुप रहा हूँ, रात को सोने के होगा तो तार देता हूँ। मुनफरिद दिलचस्प और हैरतअंगेज वीडियोस को देखने के लिए न्यूज ऑन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया जी नाजरीन, जैसे कि आपने मजे मजे के जवाब सुने ऑडियंस के, ओए मकबूल भाई ये क्या है? एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? ये सोना स्टैचू। अच्छा, सोने की है जी? अल्हम्दुलिल्लाह यार, अब वाकई सोने की है जी। सारा कुछ सोने का है जी। मकबूल भाई सारा कुछ नहीं है। मकबूल भाई ये देखे, ये क्या चीज है? अच्छा मुझे बताए, एक दिन मुझे आपसे बात करनी कुछ थे, क्या नाम है आपका? गोल्डमैन। अच्छा गोल्डमैन, मुझे ये बताया कि नाजरीन मकबूल भाई ये दिखाइएगा, ये देखें जी इनके शूज जो है वो भी सोने के, इनकी पैंट भी सोने की है, इनकी वेस्टकोट भी सोने की है, इनकी शर्ट भी सोने की है, इनका मोबाइल भी सोने का, पकड़ लूँ, इनका मोबाइल भी सोने का है, इनकी बुक भी सोने की है, इनका फेस भी सोने का है, इनकी ग्लासेस भी सोने की है, खैर मतलब सारा कुछ इनके सोने के बने हुए हैं। तो आप तो आजकल इतने महंगे हैं, तो आप रोड्स पे कैसे फेर कर रहे हैं? मैं तो छुप रहा हूँ रोड तो परली साइड पे है, डाकू वगैरह फिरते हैं, मैं छुप रहा हूँ। छुप रहे हैं तो क्या रेट चल रहा है आजकल आपका? आजकल मैं नायाब हुआ पड़ा हूँ, गरीबों की पहुँच से दूर हूँ। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप गरीबों की पहुंच से दूर है। मुझे ये बताइएगा कि ये इतना सोना पहन के या इतना सोना ओढ़ कर जो है वो किधर जा रहे हैं? मैं छुप रहा हूँ बस लोगों से। आवाम से छुप रहे जी, उनकी पहुंच से दूर हो गया ना इसलिए छुप रहा हूँ। मतलब आवाम की पहुंच से आप दूर हो गए, बिल्कुल ठीक। अच्छा बड़ा अच्छा, आपने बड़ा यूनिक सा जो आपने स्टाइल रखा हुआ है, तो मुझे बताइएगा कि हर वक्त आप ऐसे ही रहते हैं? नहीं हर वक्त तो नहीं रहता, रात को सोने के होगा तो तार देता हूँ। वो सिंपल कपड़े पहनता हूँ। नहीं तो आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ? ये बस फॉरन में देखा है कुछ, ये बना अपना एहसान इस्लामाबाद में जो लड़का है, उसके बाद शौक पड़ा। मुझे बताया कि लोग जो है वो सोने की मोटी मोटी चेन्स पहन के फिरते हैं, ब्रेसलेट्स पहन के फिरते हैं, आप पूरे कपड़े पहन के फिर रहे हैं जी? इतना पैसा कहाँ से आया? अल्लाह ने दिया तो पहन रहे हैं। क्या बात है, इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास? तुसी सड़ो थोड़े को नहीं है। चले जी नाजरीन, ये हमें एकदम गोल्ड मैन जो है वो मिल गए और बड़े प्यारे बड़े क्यूट से लग रहे हैं, और आप देखें कितना अच्छा इनका आउटलेट है। तो आपके साथ लोग तस्वीरें वगैरह भी खिंचाते हैं, सेल्फियाँ वगैरह भी लेते हैं? जी सेल्फियाँ लेते हैं। तो खुश होते होंगे आपको देख जी। ये बताइए आपने जो मास्क पहना है, ये आपके नाक के अंदर भी गोल्ड है, ये क्या बात है? बस देख ये दिखाइएगा सर, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखें जी इनके जो गोल्ड लेकिन ये देखे ये नाक के अंदर भी इन्होंने गोल्ड चुभा नहीं, नेचा यानी ना करो, नाक के अंदर क्यों गोल्ड छुपाया? आपका ध्यान किधर किधर जा रहा है? मेरा इसलिए ध्यान जा रहा है क्योंकि मैंने इतनी यूनिक सी चीज़ जो है ना वो पहली दफ़ा देखी है, मतलब मैंने फिल्म्स वगैरह में देखी लेकिन लाइव जो है ना वो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। जी फॉरेन में होता है, पाकिस्तान में ये सेकंड हूँ। अच्छा। फर्स्ट वो इस्लामाबाद वाला लड़का। अच्छा ठीक है, मतलब एक लड़का जो है वो इस्लामाबाद में गोल्डमैन है और एक लाहौर में, बस पाकिस्तान में दो ही लड़के दो ही हैं, दो आप दो ही है बस। लिविंग स्टैचू का भी नया ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, तो मैं सेकंड हूँ अभी। अच्छा मुझे ये बताया कि आपका सारा कुछ तो गोल्ड का है ही है, लेकिन सारा कुछ नहीं, फिर आप वही कह रही हैं सारा कुछ नहीं है। अच्छा मुझे बताया, वैसे तो आपकी पूरी अपीयरेंस जो है वो गोल्ड की है, ठीक है, लेकिन आपका जो पाकिस्तान का बैच है वो गोल्ड का नहीं है? ये पाकिस्तान वैसे ही सोना है, खुद ब खुद ही सोना है। बिल्कुल गोल्डमैन का कहना है कि पाकिस्तान को कलर करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान जो है वैसे ही गोल्ड है, वैसे ही सोना है, तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा गोल्डमैन मुझे ये बताइएगा कि खुद तो आप गोल्ड के, तो आपके जो बहन भाई होंगे वो चांदी के होंगे, मोती के होंगे, हीरे के होंगे, डायमंड्स के होंगे, ऐसे है? नहीं वो इतने यानी कि लविंग होते तो मैं यहाँ पे ऐसे तो ना स्टैचू तो ना बनता। अच्छा मुझे बताइएगा आपका नाम क्यों और ये आइडिया आपको कहाँ से आया है? अहमद मेरा नाम है और हालात की वजह से ये काम हुआ है। मैं थर्ड पार्टी गवर्नमेंट ऑफिसर था, थर्ड पार्टी के थ्रू लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में, तो गवर्नमेंट ने बंदे निकाले हैं, 1.5 साल हो गया तकरीबन,
उसके बाद अब सुना ये महकमा भी ख़त्म करने लगे हैं। तो खैर वो दो बंदों ने, हमारे पूरे पंजाब में से बंदे निकले हैं, तो दो बंदों ने खुदकुशी भी की है, एक बच गया एक रह गया। तकरीबन तीन ने की है या दो ने की है, दो एक एक तो डेथ होगी, मेरा अपना ही था दोस्त वो। तो बाद में कोरोना आ गया, रेडी भी लगाई है, सारा कुछ किया है, तो नहीं हुआ। एजुकेटेड बंदा हूँ, अफसाना निगार भी हूँ, तो थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ जी। तो बस ये मास्क पहन के मुझे ये आइडिया थोड़ा सा आया, क्योंकि घरेलू हालात कुछ इस तरह थे, वालदैन छोटी उम्र में फोत, मैं छोटा सा था तब फोत हो गए थे। अच्छा मुझे बताइएगा आप कहाँ काम करते हैं? मैं अभी जो मनारे पाकिस्तान के ऊपर पुल है ना, वहाँ पे था, वहाँ पे गर्मी बहुत थी, तो नीचे आया हूँ मनारे पाकिस्तान के अंदर वाली साइड पे जाने लगा हूँ। तो वहाँ पे गार्ड वगैरह जो है वो जाहिर बात है आपको पता है कि विदाउट एनी जो भी उनका था, मतलब कि उनकी लेन देन के हिसाब से वो नहीं जाने देते उसके बगैर। वो फिर मैं बाहर आ गया तो मैंने कहा चलो कहीं और जाके देखते हैं कुछ बनेगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि रोज की कितनी अर्निंग हो जाती है आपकी? अर्निंग तो देखें 1500-2000 तक हो जाती है, उसमें से 1000 जो है वो उसका लग जाता है स्प्रे का, डेली का स्प्रे नया होता है कपड़ों पे, स्प्रे वो मिटना शुरू हो जाता है वहाँ पे। अच्छा मतलब ये डेली आप स्प्रे करते हैं अपने कपड़ों को? वो भी मैं पैसे अपने पास ज़्यादा बचाता नहीं हूँ, वो मैं अलग राह में भी, जाहिर बात है ये नहीं कि नेकी करके दिखाने की बात नहीं है, ये जिसने करना है उसने अपने लिए करना, किसी के लिए कोई नहीं कुछ करता, तो ये भी काम करता हूँ। मुझे बताया जो आप मीनारे पाकिस्तान या किला वगैरह खड़े होते हैं वो प्राइवेटली खड़े होते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव है? नहीं गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ भी नहीं है, मैं जट्ठा साहब हैं यहाँ के लाहौर के DC, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मुझे भी NOC दिया जाए, जैसे कि वहाँ पर हमजा शफकात साहब ने इस्लामाबाद में उसे दिया है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी मिल जाए, ये यूनिक चीज़ है, कोई गलत काम नहीं है, कोई गलत काम पे लगने के बजाय आपको पता है एजुकेटेड बंदे जो हैं वो क्या क्या काम नहीं कर रहे, तो वो उस पे लगने के बजाय इंसान पॉजिटिव काम पे लगे कि लोगों के साथ अगर आप अच्छा बिहेव करें, अच्छा एक मैसेज जा रहा है, कोई गलत चीज़ नहीं जा रही। जो DC लाहौर है चट्ठा साहब, उनसे इनकी गुजारिश है कि इन्हें NOC दिया जाए ताकि ये जो है पब्लिकली जो है वो खड़े हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरटेन कर सके। अच्छा मुझे बताइएगा लास्ट में आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारी बढ़ती हुई डिजीज़ है सबसे बड़ी वो डिप्रेशन है, हम एक दूसरे को डिप्रेशन बांट रहे होते हैं, तो लोगों के लिए अच्छा करें और अच्छा सोचें। ये लोगों के लिए अच्छा करना, ये आपके लिए बजाते खुद अच्छा करना होगा, ये किसी के लिए आप नहीं कर रहे, मकाफ़ात अमल आप पे लागू हो जाता है, ये कानून कुदरत है। अपने पॉजिटिव काम किसी की नेगेटिव सोच की वजह से कभी ना छोड़ें, ठीक है? नेगेटिव लोगों ने पॉजिटिव में से भी दो नेगेटिव ही निकालने उन्होंने, ये मेरा मैसेज है। वैसे आप थोड़ी सी चीज़ें लिखता हूँ तो वो जारी बात है जहन चलता है थोड़ा सा। क्या बात है जी, गोल्डमैन जो है उन्होंने बड़ी सियानी सी बातें बताई है और उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज जो है हमारी आवाम को दिया है। तो इनका कहना यह है कि डिप्रेशन जो है वो दूसरों को भी ना दे और खुद भी ना ले। और देखे जी बाहर तो ये बिल्कुल सोने के इंसान लग रहे हैं, लेकिन हालात की वजह से जो है वो थोड़े से ये परेशान रहते हैं। इसलिए मेरी हमारी गवर्नमेंट से जो है वो अपील है कि अगर इन्हें NOC चाहिए, DC साहब से इनकी गुजारिश है कि इन्हें NOC चाहिए ताकि ये पब्लिकली जो है वो खड़े हो सके, हमारी आवाम को जो है वो इंटरटेन कर सके। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव जो है इनिशिएटिव है, इसमें कोई बैड बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर DC साहब या आला काम जो है मेरी ये वीडियो देखे तो बराए मेहरबानी इन्हें NOC दिया जाए ताकि ये अपने हालातों को जो है वो थोड़ा सा बेहतर कर सके। मेहनत मजदूरी करना चाहते हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे, किसी से मदद नहीं मांग रहे, अपनी मदद आपके तहत जो है ये चलना चाहते हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि ये वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि DC साहब तक ये वीडियो पहुँचे और इनकी जो परेशानी है वो हल हो सके। तो उम्मीद है आपको ये गोल्डमैन जो है वो पसंद आया होगा। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।